राजीव, है कोई घर में बहन बेटी भाई कोई भी शादी के लायक? बस लड़की होनी चाहिए जी। देखी होगी और अब तक फिल्म के दो पार्ट रिलीज हो चुके हैं और फिल्म के दोनों ही पार्ट्स में हमें जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगी और अब सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्द हमें फिल्म का तीसरा पार्ट देखने को मिलने वाला है। हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की एंट्री के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और अब वेलकम फिल्म की तरफ से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही मेकर्स ने फिल्म के स्टार कास्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है और फिल्म में हमें बॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। कुछ दिन पहले मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि वेलकम 3 पर वो बहुत जल्द काम शुरू करने वाले हैं और जैसे ही हेरा फेरी 3 का शूट कंप्लीट होगा उसके बाद ही वेलकम 3 का शूट शुरू कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में हमें अक्षय कुमार की बैक टू बैक कई बड़ी सुपरहिट कॉमेडी फिल्में देखने को मिलने वाली है। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल तो नजर आएंगे ही, साथ ही इस बार संजय दत्त, अर्शद वारसी और भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। खबरें आ रही है कि संजय दत्त और अर्शद वारसी फिल्म में विलन के रोल में नजर आ सकते हैं। वहीं फिल्म के डायरेक्टर को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन फिल्म के पहले दोनों पार्ट्स को अनीस बज्मी जी ने ही डायरेक्ट किया था और वो अपनी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं, तो हो सकता है कि वेलकम 3 को भी अनीस बज्मी जी ही डायरेक्ट करेंगे। बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो 2024 में हमें हेरा फेरी 3 देखने को मिलेगी, तो हो सकता है 2025 तक हमें वेलकम 3 भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वेलकम 3 अपने पहले दोनों पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।